जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 12 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन, आज का दिन बड़ा ही प्रभावशाली दिन है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, आयुष्मान योग 10:41 के बाद सौभाग्य योग मूल नक्षत्र में केतु के प्रभाव से दिन आरंभ होगा। 9:53 के बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और शुक्र का प्रभाव, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है जो केतु के साथ आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर बैठकर मंगल के साथ समसप्तक योग बना रहा है। जब भी ऐसा योग बनता है आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कुछ बातों पे आपकी चिंता बढ़ती है, पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बेवजह मन परेशान हो जाता है और केतु के कारण थोड़ी समस्या आरंभ हो जाती है। लेकिन शुक्र का केतु के साथ गोचर करना बृहस्पति की पंचम दृष्टि से द्वादश भाव का प्रभावित हो जाना आपके लिए इच्छा के अनुसार खुशी और सुख की प्राप्ति होगी, लाभ भी होगा, परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी और परिवारजनों के साथ बेहतर समय आप व्यतीत करेंगे। काफ़ी लाभकारी प्रभावशाली दिन है क्योंकि आज पराक्रम भाव पर चंद्रमा विराजमान है जो आपके कर्म का स्वामी है, धन का स्वामी मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर गोचर कर रहा है, जबकि बुध और सूर्य आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर आज विराजमान है। बुध जो भाग्य का स्वामी है, सूर्य जो लाभ का स्वामी है, एक साथ लाभ स्थान में गोचर करने से आज तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे। काफ़ी प्रभावशाली दिन है, सौभाग्य की खुशी भी मिलेगी, धन का लाभ भी होगा और आपकी मन की चिंताओं का समाधान भी होगा, आपकी समस्या का समाधान आज आपको प्राप्त होगा क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर शनि का गोचर है और बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान है, जबकि राहु कुंडली के छठे भाव पर गोचर कर रहा है। अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य अनुकूल सिद्ध होगा, मन की इच्छा भी पूरी होगी, संतान की तरक्की भी होगी, नौकरी व्यापार में धन का लाभ भी होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और परेशानियों से समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आज केतु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, केतु और शुक्र एक साथ द्वादश में बैठा है तो मेहनत करने से तरक्की भी होगी, मेहनत करने से धन का लाभ भी होगा, शत्रु और विरोधी के खिलाफ आपकी जीत निश्चित है। ऐसा योग है जो आपकी जीवन की स्थिति को बदलेगा। प्रेम संबंध के लिए समय बड़ा शुभ है। आज का दिन नौकरी व्यापार भी आपके अच्छे चलेंगे और आपकी जीवन में तरक्की उन्नति भी होगी, लेकिन केतु के कारण जो आपके मन में चिंता है, जो जीवन की समस्या है, उसका समाधान आज आप मंगल के प्रभाव से पूरा होगा, बृहस्पति के प्रभाव से पूरा होगा क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों इस समय आपकी कुंडली पर बहुत ही प्रभावशाली होकर गोचर कर रहा है। मंगल आज अद्रा नक्षत्र में राहु से प्रभावित है, जबकि बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से प्रभावित है। चंद्रमा का तरक्की के अवसर और कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन का योग अनेक प्रकार का सुख प्रदान करेगा। राहु के प्रभाव से जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा। राहु के प्रभाव से नौकरी व्यापार की स्थिति, अचानक से बड़े परिवर्तन
और आपके सोचे हुए काम का पूरा होना, अपने आलस का त्याग करें, सोच समझ कर कार्य करें, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भी आपके जीवन में प्राप्त होगा। अपने लक्ष्य पर फोकस करें और मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए दिन काफ़ी लाभकारी है। कोई इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, कोई बड़ी नौकरी लग सकती है, क्योंकि जब केतु का प्रभाव होता है तो उन्नति प्राप्त करते हैं, सफलता आपको मिलती है, जीवन का सुख आप पाते हैं और अच्छी सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। रुके हुए काम में गति आएगी, मन की उलझने समाप्त होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। काफ़ी लाभकारी प्रभावशाली दिन है। तुला राशि वालों के लिए केतु शुक्र का प्रभाव आज का दिन आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, आपकी जीवन में धनवान भी आपको बनाएगा, क्योंकि आज केतु का प्रभाव शुक्र के साथ है। जब भी शुक्र के साथ केतु का गोचर होता है, बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है, तो आप श्रेष्ठ कार्य करके प्रभावशाली बनते हैं, व्यापारिक कार्य में धन कमाते हैं, स्थिति में बदलाव होता है, दिन शानदार होता है, जीवन में खुशी और सुख की प्राप्ति होती है, खुद पर विश्वास से आपका बढ़ता है और अपने जीवन में आप बड़ी उपलब्धि तरक्की लाभ अर्जित करते हैं। काफ़ी प्रभावशाली दिन है। कार्य क्षेत्र में तरक्की का योग है, सुख का योग है, सौभाग्य का योग है। तुला राशि वालों के लिए आज उत्तर दिशा आपका भाग्य उदय होगा, जीवन की चिंता उत्तर दिशा में खत्म होगी। सफलता पाने के लिए उत्तर दिशा में आप प्रयास करें, आपके प्रयास सफल हो जाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। आज आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा और लकी नंबर 6 होगा। मेहनत करते जाएंगे, भाग्य बदलता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा, कठिनाइयां जीवन की समाप्त होते जाएगी। काफ़ी लाभकारी प्रभावशाली दिन है, जो आपके लिए तरक्की भी लाएगा, बेहतर परिणाम भी देगा। अनुकूल स्थिति में शनि का गोचर करना आपकी क्षमता को बढ़ाता है, बृहस्पति की शुभ स्थिति के चलते धन का लाभ होता है और मंगल के प्रभाव से आप भाग्यशाली बनेंगे। सामर्थ्य की शक्ति से जीवन में सुख की प्राप्ति करेंगे। चंद्रमा का आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर गोचर करना समृद्धि को बढ़ाएगा। पंचम भाव में शुभ स्थिति में बैठा शनि धन कमाने का साधन देगा। दिन काफी लाभकारी प्रभावशाली दिन है। आज का दिन काफी सुख देने वाला भाग्यशाली दिन है। विजयी मुहूर्त 2:21, अमृतकाल 3:20 आपके लिए प्रभावशाली होगा। जबकि आज ये मूल नक्षत्र का केतु और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र सौभाग्य योग में आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। आज कोई बड़ा काम करके अपने जीवन में बड़े सुख को आप पाएंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, मन में जो तरह तरह के विचार आ रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। स्थिति शुभ बनी हुई है, आपके लिए तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होने वाला है। तुला राशि वालों, राहु काल 1:50-3:23 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तो तुला राशि वालों, केतु शुक्र का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल बृहस्पति, बुध सूर्य, शनि और राहु, आज का दिन आपके क्षमता को बढ़ाएगा, जीवन में मान सम्मान देगा, उपलब्धि देगा, एक नई पहचान आपको मिलेगा, धन भी कमाएंगे, अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, भाग्यशाली भी होंगे, सुख की प्राप्ति भी होगी, उमंग उत्साह भी बढ़ेगा और जीवन लाभ और धन से परिपूर्ण होगा। तुला राशि वालों के लिए काफ़ी लाभकारी प्रभावशाली दिन है। अनुकूल स्थिति नए नए अवसर लेकर आएगा। आज का दिन काफ़ी लाभकारी और सुख देने वाला भाग्यशाली दिन है। मेहनत करते जाएं, भाग्य बदलता जाएगा, संपत्ति बढ़ते जाएगी, जीवन में उत्साह और बेहतर परिणाम से कई प्रकार का सुख है आपको मिलेगा। कामयाबी, सफलता और भाग्योदय का योग भी बन रहा है।
केतु और शुक्र के प्रभाव से सकारात्मक परिवर्तन और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए दिन काफी प्रभावशाली होगा और तुला राशि वालों के लिए दिन काफी लाभकारी साबित होगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।